हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन फ्रेंड्स, आशीष प्रीता व्लॉग्स। और सुबह सुबह मैंने कुछ अभी हरकत की गंदी, तो ये हो गई है थोड़ी सी गुस्से वाली। तो ये देखिए, पूरा बेड ये भिंगा चुकी है। ये मास्क, ये जो मासूम से जो दिख रही है ना, गाल फुला करके गल फुल्ली। तो ये देखिए कैसे बेड अभी पूरा भिगा, देखिए अभी आपको कैमरा में भी दिख रहा होगा, पूरा बेड यहाँ से मतलब भिगा दिया है, बहुत गंदी। छी 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 छी, ए चलिए ना, आपको भी हम सिखाते हैं गंदी क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी जा रहा हूँ बेड को सुखने देने के लिए, क्योंकि आज धूप भी नहीं निकली है बाहर, तो जल्दी से सुखा दो, पता चलेगा अंदर तो घुस जाएगा पानी। धूप हो नहीं रहा है, कितने दिनों से धूप नहीं हो रहा है पता है, कितने दिनों से धूप हो ही नहीं रहा है, और ये आदमी पागल है। इस इंसान को कोई मतलब नहीं है कि सामान बर्बाद होगा कि क्या होगा। पौधा में अगर लगा भी ना, तो आप देख लीजिएगा, हम आपको छोड़ेंगे नहीं आज। और लटकाइए उधर, ये सूखेगा अभी, हमको नहीं लगता है कि ये सूखने वाला है, धूप हो ही नहीं रहा है। हॉट एयर मारने से अंदर तक सूख जाता है क्या इंसान। पता नहीं ये बेवकूफ इंसान, हम परेशान हो गए, एकदम परेशान हो गए। इसको भी सुखाइए, ये भी गीला है, उसमें भी गीला हुआ है ना। अब बोले नहीं, बोल लीजिए नहीं, जाइए डालिए वॉशिंग मशीन में। मतलब एक प्रैंक तो कर देते हैं मेरे ऊपर, उसके बाद क्या होता है ना इस घर में, ये ना मतलब क्या बताएं हम। क्या बोलू ना मैं, मतलब इतना मुझे गुस्सा आ रहा है ना, अभी खुद का तो कुछ करना है नहीं, इधर उधर जाके सो जाएंगे। अब वो टेंशन एक हो गया कि अब वो सूखेगा भी कि नहीं, ब्लैंकेट भी भींग गया है। पता नहीं ऐसा पागल इंसान मेरे ही मतलब किस्मत में क्यों आया था। इतना लोग प्रैंक करते हैं, इतना लोग करते हैं ऐसा प्रैंक, फालतू वाला प्रैंक मुझे बहुत बेकार लगता है। उसको भी सुखाइए, ब्लोवर से नहीं सुखेगा वो। बंद करिए तो उसको, पहले धूप में डालिए उसको। बड़ा आए हैं भाई, ये क्या कहते हैं, ले लिए हैं हेयर ड्रायर, तो उसी से सब कुछ करेंगे। अपना पिछवाड़ा भी धो साफ कर, उसी से हम कर लिया कीजिए ना गरम, जब आते हैं धो कर। तो अभी आप सोए होते तो इतना गर्म इसलिए लग रहे थे क्या? हटाइए तो क्या, जिधर गीला है ना उसको बाहर की तरफ रखिएगा। पता नहीं ये कितना काम बढ़ाने वाला मेरा किए है ना, पूरा कपड़ा भी गीला कर दिया, अब नहा नहीं पड़ेगा पहले जाकर। तो चलिए फ्रेंड, पहले जा रही हूँ नहाने। अब किस्मत में ऐसा पति है ही तो झेल नहीं पड़ेगा जीवन भर। फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं तनीषा के स्कूल, आज है पीटीएम, और अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूल की बिल्डिंग टेढ़ा लगा हुआ है। तो ये ऑफिस, ये डायरेक्ट ऑफिस निकल जाएंगे पीटीएम अटेंड करके, और हमें यहाँ छोड़ देंगे। आज तनीषा का बहुत कंप्लेन होने वाला है, लगा लेंगे ना, चलिए ना। मैं फेल नहीं होने वाली, लेकिन तुम फेल हो गई हो। कैसे? पढ़ती ही नहीं हो घर में, तो इतना तो पढ़ी थी तब नहीं होगी और क्या। पहले नहीं होती हो। तो आज तनीषा का स्कूल दिखाते हैं, ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए थे तनीषा का फोटो निकलवाने के लिए, निकलवा लिए हैं। पता नहीं जब मैं स्टूडियो में आती हूँ ना, तो मैं व्लॉग बनाना भूल जाती हूँ, वीडियो लेना। जब निकलती हूँ तब याद आता है कि अच्छा वीडियो तो बनाए नहीं।
तो अभी तुरंत इसका फोटो निकलवाई हूँ और अब हम लोग जा रहे हैं। चलिए जल्दी चलते हैं। अभी रिजल्ट सुनना मेरा। हाँ देखिए कितना पुअर रिजल्ट आई है। तो फ्रेंड्स अभी तनीषा का रिपोर्ट कार्ड हमने देख लिया है। ये देखिए और मुझे ये मिला, मतलब मिला नहीं, मैंने चॉइस करा टोटल। आखिर मिला ही ना, आखिर तो मिला ही ना, मैम ने दिया ना आपको। हाँ तो ये देखिए, मुझे चार थे टोटल, तो फिर मुझको तो सबसे अच्छा ये लग रहा था इसलिए मैंने ये लिया। बस यही अच्छा लग रहा है, सारे अच्छे लग रहे थे, मुझे सारे लेने के मन कर रहे थे, बट एक चॉइस करना था ना इसलिए मुझे ये ज्यादा। चलो एक फोटो ले लेते तनु का। आओ यहाँ खड़ी हो जाओ। ये देखिए बहुत ठंडी है यहाँ पर और हम लोग बैठ के खा रहे हैं मलाई सोया चाप। और मैं बच्चों की तरह कार्टून देखते रहती हूँ, बच्चों वाला कार्टून देखिए। तो देखिए ये है मलाई सोया चाप, बहुत ही टेस्टी सा, तो ये खाइए। और तो मैं बच्चों जैसा कार्टून देखती हूँ। वाओ इसके साथ खाया जाता है। ग्रीन चटनी खाना तो खाओ यार, मत खाओ। स्प्रिंग वो भी क्या कहते हैं इसे, मलाई चाप उसके साथ। वो मुंह डालो एक बार में, तनीषा का मुंह फूल। तो ये हमेशा ना जिसके अंकल आते हैं चेरी काउंटी में, वो हमेशा इससे मंगवाते हैं, लेकिन ये नहीं खाती थी। मैं हमेशा बोलती थी खा के देखो बेटा टेस्ट अच्छा लगता है, नहीं खाती थी। आज पापा लाए हैं इसके तो खा रही है। बहुत यम्मी है, हम लोग एंजॉय करते हैं।